सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। नाइन्थ क्लास के सॉलिड ज्योमेट्री के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। 4 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि वर्ग अपने कर्ण पर खड़ा है और बीपी के समानांतर है कि वर्टिकल प्लान के ऊपर बना हुआ है। सबसे पहले हम XY रेखा ले लेते हैं जो हमारी आधा रेखा होती है। इस तरह से X और Y हम ले लेते हैं। XY लाइन के बाद हम इसमें सेंटर ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ से हमने 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये जो हमारे सेट स्क्वायर है इसमें ये दो कोण जो है वो 45-45 के और ये 90 का है। हमने यहाँ पे इसको लगाना है, यहाँ से हमने जो है वो 45 डिग्री का कोण इसमें बनाना है। इस तरह से पहले हम लाइन लगा देते हैं फिर हम इसको नाप लेते हैं। ये आपका 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये इतना जो हमारी रेखा है ये हमारी है 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी हम इसी तरह से 45 डिग्री का कोण बनाए। इस तरह से हम जो है ना सेट स्क्वायर को लाइन के साथ रखेंगे यहाँ से और इसमें जो हम यहाँ पे रेखा लगा देंगे इस तरह से और हम इसको भी 4 सेंटीमीटर काट सकते हैं। अब चाहो तो फुट से भी नाप सकते हैं और चाहो तो इसी से भी नाप सकते हैं क्योंकि एक बराबर ही ये होता है, नाप तो एक बराबर है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए ये बिल्कुल 4 सेंटीमीटर है आप देख सकते हैं और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल बराबर है। जहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर की रेखा हमारी आ रही है इसको हम जो है नाम दे सकते हैं। यहाँ पे सी हमारा यति के साथ है, ये हमारा ए है ये यति के साथ है, ये हमारा डी है ये भी हमारा यति के साथ है। तो हमने डी और ए को आपस में डॉटेड मिला देना है इस तरह से। यहाँ से हमने 45 डिग्री के कोण इसलिए लिए थे कि ये हमने 90 डिग्री का बनाना था। यहाँ देख सकते हैं ये देखिए ये बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री की रेखा आ रही है, ये देखिए ठीक है इस तरह से। यहाँ से हमने जो है वो सीधा ही 90 डिग्री का कोण बनाना है, यहाँ से हमें 45 डिग्री बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से इस रेखा को हम थोड़ा डार्क कर देते हैं इस तरह से। यहाँ से हम जो है वो 90 डिग्री की रेखा लगाएंगे और 90 डिग्री का कोण बना करके 4 सेंटीमीटर हम यहाँ से रेखा लगा देंगे। यहाँ से भी हम जो है इसको मिला देंगे, ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री पे मिल रहा है, ये देखिए अब 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से ये देखिए 4 सेंटीमीटर पे है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। ये जो आपका पॉइंट आ रहा है इसका नाम हम दे देते हैं यहाँ पे बी और ये हमारा यति के साथ होगा। और हमने क्या करना है बी और सी जो है इसको हम रोटेट मिला देंगे और इस तरह से इसको हम आगे बढ़ा देंगे डॉटेड इस तरह से। यहां से हम इसको 1 सेंटीमीटर नीचे हम यहां से लाइन लगा देंगे इस तरह से इतनी सी, बाकी लाइन हम यहां से मिटा देते हैं। अब हमने क्या करना है जो आपका ये ए है इसका हमने प्रोजेक्शन लेना है 90 डिग्री पे यहां से इस तरह से और D का भी हमने प्रोजेक्शन लेना 90 डिग्री पे। पहले हम D का प्रोजेक्शन ले लेते हैं यहाँ से हम D का प्रोजेक्शन ले लेते हैं और इस लाइन से नीचे हमने लेना है 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर आ गया है और यहाँ से भी हम जो है इधर को ले सकते हैं रेखा के साथ, या हमने यहाँ पे रेखा के साथ जो है वो लगा दिया है अपना सेट स्क्वायर और यहाँ से हमने ये बिल्कुल यहाँ से हम जो है वो डॉटेड लाइन लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से नीचे हम जो है 1 सेंटीमीटर यहाँ देख सकते हैं ये हमने लगा दिया। अब हम इस रेखा को आपस में मिला देते हैं इस तरह से और ये जो रेखा आएगी ये हमारी डार्क आएगी, ये हमारा जो है वो अब कर्ण है, ये हमारा कर्ण आ चुका है इस पे, ये जो है हमारा वर्ग जो है वो खड़ा था, ये हमारी ए है, ये रेखा हमारी बी है और ये जो रेखा हमारी है वो डी है और जो सी है वो इसके
पीछे है, तो इस तरह से हमारे पास इसमें नहीं आएगा। इस तरह से ये हमारा बन के तैयार हो गया है। अब चाहो तो इन रेखाओं को थोड़ा डार्क इस तरह से कर सकते हैं, सभी रेखाओं को। ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्रश्न नंबर 3 है, ये बन के हमारा तैयार हो गया। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 4। समबाहु त्रिभुज घनक्षेत्र जो अपने आधार पर क्षितिज धरातल पर खड़ा है, त्रिभुज की भुजा भूमि रेखा के समानांतर है, सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ, भुजा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमने एक्स वाई रेखा लेनी है, इसमें हम एक एक्स वाई रेखा ले लेते हैं और हमने इसके एक भुजा हमारे त्रिभुज की दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो लगभग हम इसका सेंटर निकाल लेते हैं। यहां से हमने जो है वो 3 सेंटीमीटर रेखा लेनी है, तो ये आप देख सकते हैं, यहां से ये हमने ले ली है बीच में, इसमें बिल्कुल ये आप देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर रेखा आ गई है। यहां से हमने क्या करना है, 3 सेंटीमीटर रेखा जो हमारी आई है यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर नीचे को डॉटेड लगाने हैं, यहाँ पे भी हम 1 सेंटीमीटर नीचे को यहाँ से डॉटेड लगा देंगे इस तरह से, और इसको देखते हैं क्या ये 3 सेंटीमीटर है। हाँ, ये रेखा हमारी बिल्कुल 3 सेंटीमीटर है, इसको हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से हमने जो है वो त्रिभुज बनानी या ये प्रश्न बनाना शुरू करना है। ये हमारी रेखा है ए और बी। अब यदि त्रिभुज समानांतर त्रिभुज है तो हमने एक समबाहु त्रिभुज है तो इसका जो एक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो सेट कर दिया हुआ है इसका ये कोण 90 डिग्री का, ये 60 डिग्री का और ये 30 डिग्री का है, तो हम यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। यहाँ से ये बन बनाया एंगल है हमारे पास है, इस तरह से हम यहाँ से रेखा लगा सकते हैं और हम यही कोण जो है वो यहाँ से बना सकते हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, यहां से इधर को हम यहां से बना देंगे, इसमें ये देख सकते हैं आप, और ये भुजा होगी ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर की होगी, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल 3 सेंटीमीटर अपने आप आ रही है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी, ये देख सकते हैं ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होती है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो तीनों भुजाएं बराबर होने से तीनों कोण भी बराबर होते हैं, और अगर तीनों कोण आपके बराबर है तो तीनों कोण फिर वो 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, तो 6 × 3 = 18, तो 180 बिल्कुल ये हो गया है। ये लाइन थोड़ी सी हमारी लाइट है तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर। अब हमने क्या करना है, जो आपकी रेखा है ए बी रेखा है, यहाँ से हमने डॉटेड के ऊपर ले लिए है एक्स वाई तक, यहाँ से ऊपर हमने भुजा लेनी है 5 सेंटीमीटर, और वो जो भुजा है ये बिल्कुल 90 डिग्री पे हम लेंगे। यहाँ से इस तरह से हम जो है स्क्वायर को लगा देते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पे, और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से हम जो 5 सेंटीमीटर रेखा खींच देते हैं, ये आप देख सकते हैं, इस पॉइंट से भी हम इस तरह से बिल्कुल स्क्वायर लाइन के साथ लगाएंगे, और यहाँ से भी हमने जो है वो 5 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसको मिला देते हैं ऊपर, 5-5 सेंटीमीटर की हमारी रेखा आ गई है, और आप देखेंगे तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा बिल्कुल 3 सेंटीमीटर, यदि आपके एंगल सही है तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा इस तरह से। वो हमने इसका हाफ करना है, 1.5 सेंटीमीटर होगा, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ से जो ये आपका सी पॉइंट है ये हमने यहाँ पे डॉटेड मिलाना है, यहाँ तक हम इसको डॉटेड मिलाएंगे, यहाँ से ऊपर जो है हम इसको डार्क मिलाएंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं ये जो आपका बीच की जगह बची है यहाँ भी हम इसको डॉटेड मिला देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं। अब ये जो आपका पॉइंट आ गया है ये आपका है ए यति, मीन्स इसका प्रोजेक्शन आया है, ये सी है, सी यति के साथ है, ये आपका बी है, ये यति के साथ है, तो यहाँ हम पॉइंट का नाम देते हैं डी,
यहाँ पॉइंट का नाम दे देंगे ई, यहाँ पॉइंट का नाम हम दे देते हैं एफ, ये यति के साथ आता है। इस तरह से ये हमारे को सामने से जो है वो दिखेगी, ये समांतर ए बी रेखा के एक्स वाई रेखा के बिल्कुल समांतर है। इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी है 5 सेंटीमीटर। ये आपका प्रश्न नंबर 4 है, ये आपका बनके तैयार।